बाद भी पुनीत गोयंका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया है। तो जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान कर दिया गया है। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी। इस निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे और इस विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। विलय और नए निवेश के बाद कैसे बदलेगी हिस्सेदारी? मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। $157.5 करोड़ निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। तो सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 52.93% विलय हुआ है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 52.93% सोनी पिक्चर्स का शेयर हिस्सा। तो जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के बीच विलय का ऐलान। आपको ये बता दें कि जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी। निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी और दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट भी साइन किया गया है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू डिलिजेंस का काम करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के बीच विलय का ऐलान। जी एंटरटेनमेंट के बोर्ड ने विलय के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। विलय के बाद भी पुनीत गोयंका एमडी एंड सीईओ बने रहेंगे। सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट विलय के बाद $157.5 करोड़ निवेश करेगी और निवेश की रकम का इस्तेमाल ग्रोथ के लिए किया जाएगा। विलय के बाद सोनी एंटरटेनमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगी। दोनों पक्षों के बीच नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन किया गया। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू इंटेलिजेंस का काम करेंगे और विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड होगी। दोनों पक्षों के बीच में नॉन कंपीट एग्रीमेंट भी साइन होगा। विलय और नए निवेश के बाद कैसे बदलेगी हिस्सेदारी? मौजूदा स्थिति में जील के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 61.25% होगा। $157.5 करोड़ निवेश के बाद हिस्सेदारी में बदलाव आएगा। निवेश के बाद जील के निवेशकों का हिस्सा करीब 47.07% होगा। सोनी पिक्चर्स के शेयर होल्डर्स का हिस्सा 52.93% रहने का अनुमान है। 90 दिनों के भीतर दोनों पक्ष ड्यू इंटेलिजेंस का काम करेंगे। विलय के बाद भी कंपनी भारतीय शेयर बाजार में